हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम विभु दत्त साहू है। तो मैं आज आपके लिए जियो फोन का अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। जैसे कि ये वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल पढ़ के आपको ये लग रहा होगा कि 501 रुपया में आपको ये जियो फोन मिलता है क्या, तो ये जियो की तरफ से एक ऑफर है। तो ये ऑफर का डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जियो की तरफ से अगर आपके पास कोई भी एक पुराना बेसिक फ़ोन होगा, जैसे हम लोग पहले बेसिक फ़ोन यूज़ करते थे, उसके बाद अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिक फ़ोन वगैरह मैक्सिमम लोगों के पास ऐसे ही घर में पड़ा होगा, तो वो बेसिक फ़ोन आप एक्सचेंज करके आप ये फ़ोन ले सकते हैं। मगर आपका जो बेसिक फ़ोन एक्सचेंज करेंगे वो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका चार्जर होना चाहिए। तो ये फ़ोन का जो ओरिजिनल प्राइस है ये 1500 रुपये है। अगर आप एक्सचेंज करके ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो एक्सचेंज में आपको 400 रुपया कम हो जाता है, जैसे कि 1100 रुपया हो गया। उसके बाद जियो के तरफ से आपको प्राइम का जो रिचार्ज है वो फ्री मिलता है, उसके साथ साथ 6 महीना का रिचार्ज भी मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये फ़ोन का प्राइस जो है वो 501 रुपीज़ हो जाता है। तो 6 महीना तक आप आराम से जो भी हमारा अनलिमिटेड प्लान आज के डेट में चल रहा है उस हिसाब से आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं ये फ़ोन के ऊपर। जैसे कि ये जो जियो फ़ोन है, पहले जब लॉन्च हुआ था उसमें काफ़ी कुछ लिमिटेशन था या लिमिटेड एप्लीकेशन वगैरह था, मगर आज के डेट में इसमें काफ़ी कुछ एडवांस एप्लीकेशन वगैरह हुआ या एडवांस फीचर्स आ गया है। जैसे आज के डेट में जियो स्टोर वगैरह से आप फेसबुक इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका जो व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल का वॉइस असिस्टेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैप वगैरह या यूट्यूब वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पहले भी जो था जियो टीवी एंड जियो सिनेमा वगैरह वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें FM रेडियो भी मिलता है, जिसमें आपको ईयरफोन लगाने का ज़रूरत नहीं, फ़ोन को डायरेक्ट आप ऑन करके FM रेडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। तो आज के डेट में इसमें काफ़ी कुछ हमारा जो स्मार्टफोन का फीचर्स भी ऐड हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उसका अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा कुरियर बॉक्स पैक, इसको हम ओपन कर देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो ये है हमारा जियो फोन, जो कि यहाँ पे उसका फ्रंट साइड में फ़ोन का फोटो है और यहाँ पे जियो डिजिटल लाइफ लिखा गया है। और ये फ़ोन का मॉडल जो है ये F81E है। और ये साइड में उसका डिटेल्स वगैरह लिखा गया है, जैसे कि आपको एक हैंडसेट मिलता है, एक अडाप्टर मिलता है, एक बैटरी मिलता है, और यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलता है, और यहाँ पे जियो सिम कार्ड भी इसके साथ इंक्लूडिंग है। और यहाँ पे फीचर्स वगैरह आपको डिटेल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको HD वॉइस कॉल मिलता है, वीडियो कॉल भी मिल जाता है, और यहाँ पे 4G इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाता है, और यहाँ पे 2000 mAh का बैटरी मिलता है। और इसका कैमरा जो है वो बैक साइड कैमरा 2 MP का है, और फ्रंट कैमरा जो है VGA कैमरा है। और यहाँ पे आपको वायरलेस FM रेडियो मिलता है, वाईफाई कनेक्टिविटी मिलता है, GPS और ब्लूटूथ भी मिल जाता है, और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज वगैरह भी आपको मिल जाता है। और ये फ़ोन का रैम जो है वो 512 GB रैम है और 4 GB का इंटरनल मेमोरी है। और यहाँ पे आप microSD कार्ड जो है वो 128 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉइस असिस्ट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले उसका फोन है, और सेकंड ये पाउच के अंदर आपको उसका बैटरी मिल जाता है, और यहाँ पे एक आपको चार्जर मिलता है। तो पहले चार्जर से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जर है उसके साथ जो केबल है वो अटैच ही है, और यहाँ पे आपको माइक्रोएस चार्जिंग का, जो कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जर का कुछ डिटेल्स दिया गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर का डिटेल्स, जो कि आउटपुट इसका 5 वोल्ट 700 mA का है। तो यहाँ पे जो चार्जर मिलता है इसका केबल जो है लगभग 1 मीटर का है, तो इसको साइड कर देते हैं। तो अभी हम फोन के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बेसिक फोन टाइप का दिख रहा है, और यहाँ पे उसका न्यूमेरिक कीपैड वगैरह है, और यहाँ पे कैंसिल बटन है, और यहाँ पे कॉल बटन है, और यहाँ पे 2 बटन दिया गया है, यहाँ पे एक नेविगेशन बटन है, और यहाँ पे सेंटर बटन एक है, और यहाँ पे उसका फ्रंट कैमरा है, और यहाँ पे उसका कॉलिंग स्पीकर का वेंट दिया गया है, और ये साइड में यहाँ पे उसको स्ट्रैप लगाने के लिए प्रोविजन दिया गया है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक LED लाइट दिया गया है जो कि टॉर्च के हिसाब से काम करेगा। और बैक साइड देखा जाए तो यहाँ पे उसका स्पीकर का वेंट है, और यहाँ पे 2 MP का कैमरा है, और ये LYF ब्रांड का है, और यहाँ पे एक NFC का चिप दिया गया है। अगर नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पे
उसका चार्जिंग पोर्ट या डेटा केबल का पोर्ट है और यहाँ पे ईयरफोन के लिए प्रोविजन दिया गया है और इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन जो है कॉलिंग के लिए ये है। तो अभी हम बैटरी देख लेते हैं, बैटरी डिटेल्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी जो है वो 3.7 वोल्ट का है और यहाँ पे 2000 मिलियम्पियर का है। तो अभी हम इसमें बैटरी इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, तो ये काफी यहाँ पे टाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो सिम जो है वो पहले से लगा हुआ है और इसका साइड में माइक्रो एसडी कार्ड के लिए स्लॉट दिया गया है और यहाँ पे उसका IMEI नंबर वगैरह है और यहाँ पे उसका सार वैल्यू दिया गया है जो कि हेड के लिए 0.60 वाट पर केजी है और बॉडी के लिए 0.65 वाट पर केजी है। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो जियो फोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका बैटरी में यहाँ पे एक व्हाइट कलर का डॉट है और यहाँ पे एक व्हाइट कलर का डॉट है। अगर ये फोन या ये बैटरी पानी का कॉन्टैक्ट में आता है तो ये रेड बन जाता है, जैसे कि कंपनी वगैरह अगर वाटर डैमेज है तो कवर नहीं करते वारंटी में, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी लगता है तो ये रेड हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है वो वारंटी में कवर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये बैटरी को लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया था यहाँ पे NFC का चिप है और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे उसका पावर बटन है, इसको ऑन करते हैं और इसका बूट थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन अभी बूट हो गया, जियो का सिग्नल भी आ गया क्योंकि ये सिम जो है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे जो सेंटर बटन है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह आपको शो हो जाता है। तो यहाँ पे जियो का जितना भी एप्लीकेशन है पहले से प्री इंस्टॉल है और यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जो नेविगेशन बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉगल वगैरह आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं या इंटरनेट स्विच ऑन ऑफ करना है या टॉर्च लाइट वगैरह ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ भी मिलता है, वाईफाई वगैरह भी मिल जाता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे अगर टॉर्च ऑन करना है तो आप यहां से टॉर्च को ऑन कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहां पे आपको कॉल लॉग, यहां पे कॉन्टैक्ट, जियो स्टोर वगैरह भी मिल जाता है, अभी फेसबुक भी इसमें ऐड हो गया है और यहां पे जियो टीवी भी आपको मिल जाता है और FM रेडियो वगैरह जैसे मैं आपको बोला था वो भी मिल जाता है और उसके साथ साथ यहां पे गूगल असिस्टेंट भी आपको मिल जाता है। तो ये फोन को मैं एक दो दिन यूज करता हूं, उसके बाद ये फोन का डिटेल्स रिव्यू में मैं आपको ये फोन का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये प्राइस रेंज में आपको एक नॉर्मल बेसिक फोन ही मिलता है, ये फोन में आपको काफी कुछ एडवांस फीचर्स भी मिल जाता है। तो रिव्यू वीडियो में हम ये फोन का डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ ये जियो फोन का अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या जियो फोन का ये जो ऑफर है उसका डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। तो ये जियो फोन का जो ऑफर है आप उसको ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपको लेना है तो आपका पुराना जो बेसिक फोन है उसका चार्जर के साथ आप जियो स्टोर में जाके ये ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो उसके लिए जियो का एक गिफ्ट वाउचर आता है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर का आपको खरीदना है, उसके बाद आपको आपका पुराना जो बेसिक फ़ोन है चार्जर के साथ लेके आपको जाना है जियो स्टोर। तो जियो स्टोर में अगर आप वो गिफ्ट वाउचर देते हैं और आपका पुराना फ़ोन देते हैं तो सेम जो ऑफर है आपको मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।